हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू डॉक्टर आरिफ एक्सक्लूसिव वीडियोस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रोस्टेट एनलार्जमेंट के बारे में। 50-55 साल की उम्र के बाद कैसे बुजुर्ग होते हैं जिनको पेशाब में कुछ दिक्कत होने लग जाती है, इसके लिए वो सोनोग्राफी करवाते हैं। सोनोग्राफी करवाने के बाद उन्हें अक्सर ये ओपिनियन मिलता है कि उनके प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ चुके हैं और उन्हें इसे निकाल लेना चाहिए, इसकी सर्जरी करवा लेना चाहिए। तो क्या इसकी सर्जरी करवाना सही है, या सर्जरी के अलावा बिना कोई सर्जरी के ऑप्शन इस्तेमाल किए कोई दवाइयों से हम इस सर्जरी से बच सकते हैं क्या, इसी के बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि प्रोस्टेट होता क्या है, ये बढ़ने के पीछे क्या क्या कारण होते हैं, ये बढ़ने पर मरीज में क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं, और वीडियो के लास्ट में बताऊँगा आपको होम्योपैथिक का एक बहुत शानदार कॉम्बिनेशन जो आपको प्रोस्टेट सर्जरी से बचा सकता है। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, इसे लास्ट तक के ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बाजू में लगे बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन वक्त रहते मिल सके। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि प्रोस्टेट ग्लैंड आखिर होता क्या है। हमारे यूरिनरी ब्लैडर के नीचे एक प्रोस्टेट ग्लैंड होता है। प्रोस्टेट ग्लैंड के बीचों बीच से ही आपकी पेशाब की नाली ब्लैडर से बाहर आती है और पेशाब ब्लैडर से बाहर आके जिस्म से बाहर निकलता है। जब भी किसी वजह से यह प्रोस्टेट ग्लैंड एनलार्ज हो जाए तो यह आपके पेशाब की नाली पर दबाव क्रिएट करता है, प्रेशर क्रिएट करता है। इस प्रेशर के कारण पेशाब की थैली में मौजूद यूरिन सही ढंग से जिस्म से बाहर नहीं निकल पाता है। नतीजा, मरीज को अलग अलग दिक्कतें पैदा होने लग जाती है। अभी दिक्कतें कौन सी होती हैं, यानी प्रोस्टेट एनलार्जमेंट में मरीज में क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं। दोस्तों, चूंकि प्रोस्टेट ग्लैंड ये एक मेल सेक्सुअल फंक्शन से रिलेटेड ग्लैंड है, ये उस सीमन को प्रोड्यूस करता है जिसमें हमारा स्पर्म स्टोर होता है। इसी वजह से जब भी प्रोस्टेट ग्लैंड एनलार्जमेंट में चलना जाना शुरू होता है तो मरीज में मेल सेक्सुअल डिसफंक्शन शुरू हो जाते हैं, साथ ही साथ कुछ पेशाब की दिक्कतें चालू हो जाती है। इसकी वजह से मरीज़ को बार बार पेशाब के लिए जाना पड़ता है। मरीज़ रात में से 4 से 5 बार पेशाब के लिए उठता है और बार बार पेशाब के लिए जाता है, लेकिन हर बार पेशाब को जाने पर उसे सही क्वांटिटी में पेशाब नहीं हो पाती है। उसे जितनी रिक्वायर्ड बॉडी से एक्सीड करना चाहिए पेशाब को, उतना पेशाब वो एक्सीड नहीं कर पाता है। साथ ही साथ मरीज़ को इनकंटिनेंस ऑफ यूरिन यानी पेशाब रोकने में दिक्कत महसूस होती है। कई बार उसे अर्जेंटली पेशाब के लिए जाना पड़ता है। अगर उसे वक्त रहते टॉयलेट को अप्रोच ना किया जाए तो कई बार ऐसे मरीजों में 1-2 बूंद पेशाब की निकल जाती है। वहीं बहुत सारे मरीजों को पेशाब करके उठने के बाद पेशाब बाकी है ऐसी फीलिंग, यानी 1-2 खतरे पेशाब के बाकी है ऐसी फीलिंग्स भी आना शुरू हो जाती है। दोस्तों, ये तो हो गए प्रोस्टेट एनलार्जमेंट के लक्षणों की बात। अब समझते हैं कि इसके कारण क्या क्या होते हैं। प्रोस्टेट एनलार्जमेंट के कई अलग अलग कारण हैं। कई बार ये जेनेटिक हो सकता है, यानी अगर आपके पापा को, ग्रैंडफादर को या नाना को किसी को भी प्रोस्टेट एनलार्जमेंट हुआ है तो आपको ये होने की बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। वहीं इसे आज तक इडियोपैथिक माना जाता है, यानी इसके पीछे सटीक कारण आज तक पता नहीं है। वहीं ये एक एज रिलेटेड डिसऑर्डर है, यानी अक्सर 40-45 साल की एज के बाद लोगों में देखने को मिलता है। दोस्तों, ये तो हो गए प्रोस्टेट एनलार्जमेंट के कारण और लक्षण की बात। अब बात करेंगे कि आखिर कैसे समझे कि किसी को प्रोस्टेट एनलार्जमेंट तो नहीं है या दूसरे कोई लक्षण है, क्योंकि प्रोस्टेट एनलार्जमेंट और प्रोस्टेट कैंसर दोनों के लक्षण ऑलमोस्ट सेम होते हैं। इसे डिफरेंशिएटली अलग अलग समझने के लिए ज़रूरी है कि पहले आप अपने डॉक्टर को विजिट करें। डॉक्टर आपका लोकल एग्जामिन करके देखेंगे कि प्रोस्टेट एनलार्जमेंट के लक्षण है या कुछ वहाँ पर ग्रोथ, कैंसर की तो ग्रोथ नहीं है। वहीं अगर डॉक्टर को कुछ डाउटफुल लगता है तो इसे कंफर्म करने के लिए डॉक्टर आपको यूएसजी ऑफ एब्डोमिन यानी पेट की सोनोग्राफी की एडवाइस कर सकते हैं। पेट की सोनोग्राफी करने पर ये क्लियर कट समझ में आ जाता है कि मरीज को प्रोस्टेट एनलार्जमेंट हुआ है या नहीं हुआ है, और हुआ है तो कितने डिग्री तक हुआ है। अगर मरीज का शुरुआती स्टेज में प्रोस्टेट की दिक्कत है तो बड़े आराम से हम होम्योपैथिक दवाइयों की मदद से उसकी सर्जरी को टाल सकते हैं और उसके एनलार्ज प्रोस्टेट को वापस से नॉर्मल कर सकते हैं। इसीलिए अगर आप प्रोस्टेट एनलार्जमेंट से परेशान हैं तो इसकी सर्जरी करवाने अवॉइड करें, कुछ दिनों तक होम्योपैथिक दवाइयाँ लें। आपको इस होम्योपैथिक दवाइयों से
फ़ायदा पहुंचने लग जाए तो सर्जरी का प्लान छोड़ दे और होम्योपैथी दवाई कंटिन्यू करके अपने प्रोस्टेट एनलार्जमेंट से छुटकारा हासिल कर ले। इसके लिए आपको दो होम्योपैथिक मेडिसिन मेडिकल शॉप से लाना है। पहली है R23 ड्रॉप। R23 ड्रॉप यह रिक्विक कंपनी द्वारा बनाई जाने वाली प्रोस्टेटिक ड्रॉप है। ये प्रोस्टेटिक ड्रॉप मरीज में प्रोस्टेट एनलार्जमेंट के सिम्टम्स को कवर करने के लिए बहुत ही शानदार इंटीग्रेंट्स इसमें मिले हुए हैं। इसमें मौजूद अलग अलग मेडिसिन प्रोस्टेट एनलार्जमेंट, पेशाब करने में इनकंटिनेंस, पेशाब को रोक ना पाने की शिकायत, पेशाब करने के बाद ड्रॉप ड्रॉप्स बाकी रहने की शिकायत, इन सभी समस्या को कवर अप करता है। इसकी डोज की अगर हम बात करें तो आपको R23 ड्रॉप की 20 बूंद सुबह आधा कप पानी में डालकर, 20 बूंद दोपहर आधा कप पानी में डालकर और 20 बूंद शाम में आधा कप पानी में डालकर इस्तेमाल करना है। इसके साथ दूसरी होम्योपैथिक मेडिसिन जो आपको इस्तेमाल करना है दोस्तों, वो है थूजा 200। ये होम्योपैथिक में किसी भी तरीके के एनलार्जमेंट को कवर अप करने में बहुत इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन मानी जाती है। इसके लिए आपको थूजा 200 सुबह सुबह 2 बूंद आधा कप पानी में डालकर ये डायरेक्ट जबान के ऊपर टपका लेना है। ऐसा आपको लगातार 1 महीने तक करना है। 1 महीने तक इन दोनों मेडिसिन के लगातार इस्तेमाल के बाद अगर आपके सिम्टम्स में 30-40% की इम्प्रूवमेंट है तो आप इसकी सर्जरी अवॉइड करें और इन मेडिसिन को एटलीस्ट 3-4 मंथ्स कंटिन्यू करें। 3-4 मंथ्स के इसके इलाज के बाद आप प्रोस्टेट सर्जरी की ज़रूरत से बाहर निकल जाएंगे और आपकी बीमारी जड़ से ठीक हो जाएंगी। तो दोस्तों ये थी प्रोस्टेट एनलार्जमेंट के बारे में बात, इसके कारण, लक्षण और इसके लिए बहुत ही शानदार होम्योपैथिक कॉम्बिनेशन के बारे में कुछ जानकारी। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।